अयोध्या रामनवमी चली प्रस्तुति एथर रामनवमी अत्यंत स्वतंत्र एवं ऐतिहासिक हेब जो वर्तमान राम मंदिर ट्रस्ट प्रस्तुति को जोरदार कर चैत्र नवरात्रि मंगलवार ठारु सारा देश में आरंभ हो 17 एप्रिल रे रामनवमी पर्व पालन करा जिवो एथर भगवान राम अयोध्या महल रे बसिछंती प्रथम रामनवमी अत्यंत स्वतंत्र हेब कारण मध्याह्न 12टा समय रे प्रभु राम सूर्य तिलक रे अभिषिक्त हेबे यार अर्थ सूर्य तिलक करा जिवो एवं एही सूर्य तिलक रामलालांक मुख्य मंडप को प्राय 4 मिनिट पर्यंत आलोकित करिवो 500 वर्ष पर अयोध्या भगवान रामों महान जन्मवार्षिकी पालन करा ठीक 12टे सूर्य भगवान प्रभु रामों मस्तिष्क को अभिषेक करेंगे जहाँ वृत्ताकार सूर्य तिलक 75 मिलीमीटर रहा वैज्ञानिक माने यहाँ प्रस्तुति आरंभ कर परीक्षा कर उस दिन भगवान का प्राकट्य 12 बजे होने वाला है। उस समय सूर्य रोशनी का किरण भगवान के मस्तक पर आए, इसलिए वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। आज उसका टेस्टिंग हो गया और एक दृष्टि से आज सूर्य तिलक का एक मॉकअप ट्रायल पूर्ण हुआ है। और आज की परिस्थिति को देखते हुए हमें विश्वास है कि 17 अप्रैल रामनवमी के शुभ अवसर पर 12 बजे भगवान के मस्तक पर सूर्य तिलक लगेगा। और जब बीच में आ गया है तब देखने के लिए उसका प्रकाश जो है बहुत ही सुंदर लगा। तो इस प्रकार से वो ट्रायल हो गया है। ये आज 4 दिन हो गया है। जैसा कि वैज्ञानिकों ने कहा कि किस दिन उस दिन भगवान राम के जन्म उत्सव के दिन 17 तारीख को उसको जो ट्रायल हो चुका है उसी को ठीक भगवान की लीला में सूर्य का उदय और सूर्य का प्रकाश वो दिखाई देगा। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।